welcomes you to the top of the world, mighty Kathungla. गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल लिए हैं खातुंगला के लिए। द डिस्टेंस इज समवेयर अराउंड 150 किलोमीटर 140 किलोमीटर और ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 12:24 हो रहा है, आज का जर्नी लंबा नहीं है बट मज़ेदार है। और लेके एक्चुअली दो रास्ते हैं, एक पीछे साइड से लेके जाता है, एक आगे साइड से लेके जाता है। ये पीछे वाला रास्ता है, ये जो सामने दिख रहा है दिस इज शांति स्तूपा, जो हम लोगों को अपने होटल के रूम से दिख रहा था। रात में बहुत अमेजिंग लगता है, पूरा लाइट वाइट जला होता है। तो ये थोड़ा सा ऐसे ही गलियां लेके अपने को क्रॉस करा देगा उस वाली साइड में। कहाँ पे दिखा रहा है, उधर मुड़ना है। ओके, सो यहाँ से अपने को आगे मुड़ जाना है। अच्छा, ये हम लोग ये वाला वो सेम रोड ज्वाइन कर गए जो मेन सिटी से आता है। अब जो है यहाँ से रोड बढ़िया है, वैसे भी रोड बढ़िया ही चल रही थी। ये वाला जो है ये पूरा यहाँ से ले सिटी दिख जाता है आप लोगों को, कितना दूर तक फैला हुआ, अमेजिंग सिटी। और वहाँ पे देख लो शांति स्तूपा है, और यहाँ से है एक और गोनपा ले व्यू पॉइंट एट 2000 फीट ऑलरेडी हम लोग चढ़ चुके हैं। क्या रास्ता दिख रहा है, यहाँ से बहुत ही अमेजिंग व्यू आता है, और क्या ही कहने इन सब नज़ारों के। और रोड इज़ रियली अमेजिंग, यहाँ पे इतनी रोड मेंटेन करना वही बहुत बड़ी बात है। फक BTS, ये देखो ऐसे करते हैं ना लोग, पता नहीं क्या फालतू का, जो जिसकी बुद्धि जैसी चलती है ना वो वही करता है। फालतू अच्छी वाली जगह है, कुछ ना कुछ काम खराब करना, स्प्रे पेंट लेके आ गए और डाल दिया, लिख दिया। वाइट कैप वाली माउंटेन्स जो थी वो सब दिखने लग गई हैं इधर साइड में, नीचे ले से सिर्फ एक दो दिख रही थी। यहाँ पे देखो क्या सही लग रहा है यार, अमेजिंग। उस साइड में पूरा जो माउंटेन्स है वो पूरा अभी भी स्नो से कवर्ड है, नीचे पूरा ले है फ्लैट लैंड में, ऊपर प्लेन से जब आता है तो बहुत सही दिखता है। भाई एक मेरा फोटो, लुक एट दिस मैन, मतलब कैसा लग रहा है यहाँ पे। नार्निया देखा ना मूवी, हाँ खड़ा होता है, हाँ ऐसे बाइक आई खड़ी। तो यहाँ पे एक्चुअली जब भी आ रहे हो तो थोड़ा सा स्लो ही ड्राइव करो, क्योंकि एक तो राइट साइड में कुछ बैरिकेड्स थोड़ी थोड़ी जगह है बट बाउंड्रीज यहाँ पे है नहीं, और डेंजरस है रोड। रोड अच्छी है तो, बट लोग उस साइड से कैसे आ रहे हैं वो चीज़ नहीं अपने को पता रहती। ऊपर वाली पहाड़ी देखोगे तो कितना हाइट पे है वो, आई थिंक 2000-3000 और फीट ऊपर रहेगा। नीचे से ले सिटी इतना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से, आपको क्या ही बताऊँ, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। हाँ, इवन जब फ्लाइट से भी आप लोग देखते होंगे तो ऐसा ही व्यू दिखेगा, इससे ज़्यादा और क्या ही दिखेगा। बट हाँ, जब आप ले एंटर कर रहे हो तो आपको वो स्नो कैप माउंटेन्स जो है वो पूरा दिखेगा मस्त वाला। बट अभी ऐसा हो चुका है कि अपने को जैसे कि हम लोग काफ़ी टाइम से हाइट पे ही हैं, तो हम लोगों की जो बॉडी है वो एक्लिमेटाइज हो गई है, तो अपने को उतना ज़्यादा पता नहीं लग रहा आज अच्छे से प्रॉपरली बात कर पा रहे हैं। जिस पास से ले जिस दिन गए थे उस दिन तो भाई साहब बिल्कुल वॉट लग गई थी। अगर वो नई ब्लॉग देखा तो मच रिकमेंडेड, यहाँ आई नोटिफिकेशन से जाके देखो, बहुत ख़तरनाक वाला राइड था उस दिन। ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर था एंड हम लोग चार जो पास वो क्रॉस किए थे, वाटर क्रॉसिंग ऐसे छुटका मुटका था तो उतना ज़्यादा कुछ नहीं था, बट पास क्रॉस करने में भाई साहब लग गई थी बिल्कुल। उसके बाद में सरचू का पूरा बहुत बादल का परछाई देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब वही अलग लेवल का रहता है। इवन मेन चीज़ ये है कि इंडिया का टूरिज्म इसलिए और बढ़ गया है यहाँ पे लद्दाख साइड का, क्योंकि यहाँ पे रोड भी अच्छी हो गई है। अभी हम लोग खारतुंगला जाने वाले हैं तो यहाँ पे एक चेक पोस्ट है जहाँ पे अपने को परमिट दिखाना रहेगा, तो परमिट अपने पास में बैग में है और दिखाना कहाँ पे, हाँ इधर पे लगा देते हैं। तो जो परमिट है कुछ इस तरीके से दिखता है, और इसको ऑनलाइन भी जाके ले सकते हो, हम लोगों ने ऑनलाइन ही सारे चीज़ें का पे कर दिया था। सो पुलिस चेक पोस्ट साउथ पुलू, यहाँ पे आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, यहाँ नहीं आके दिखाना। अच्छा ये नहीं दिखाना अभी, ओके बाइक का नंबर एंटर करना है,
ओके गुड। यहाँ पे अपने को बस बाइक का एंट्री कराना रहता है। ये जो परमिट है अपने को आगे लगेगा, तो इसको भी जेब में अभी रख ही लेते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा चार जनों का। तो इसमें दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक आप लोग इंडिविजुअल भी ले सकते हो, एक अपना ग्रुप के साथ भी ले सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी सारे बाइकर्स के लोगों लगे हुए हैं। तो ये जो है, ये है लद्दाख रेस्क्यू सेंटर। तो अगर रेस्क्यू करवाना है देन यू कैन, इसका एक फ़ोटो लेके रख लेते हैं। आई डोंट, नेटवर्क तो पकड़ेगा नहीं, एयरटेल तो बर्बाद है एकदम। यहाँ पे जियो लेके आना, सजेस्टेड यही रहेगा। ये वाला बीच में एक बाइक थी, ऑल द बेस्ट। तो यहाँ पे ऐसा है कि बाइकर्स फील आ जाती है। और पीछे साइड में एक ना बिल्कुल पहाड़ी, मतलब एक बस बिल्कुल पिचकी हुई पड़ी थी, तो उसको एज अ सैम्पल लगा दिया कि भाई अब तो स्लो चल लो। यहाँ से हम लोग खारदुंगला टॉप कुछ 5-6 किलोमीटर रह गए हैं। और वहाँ पे देखो वो पूरा वाइट माउंटेन्स दिख रहा है, पूरा स्नो कवर्ड। भाई साहब मज़ा आ जाएगा आज तो। ओ माय गॉड मैन, मतलब इसके लिए तो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। और पूरा स्नो कवर्ड माउंटेन है आगे, और खारदुंगला टॉप वहीं पे ही है। अपने को जाना है अचीवमेंट राइड, वन ऑफ द बेस्ट राइड ऑफ माई एंटायर लाइफ। मतलब अभी तक ऐसा नहीं गया, कई हाँ कई कभी नहीं भूलेगा भाई, कभी नहीं भूलने वाला ये राइड। अरे वाह, अभी बर्फ भी गिर रही है धीरे धीरे। हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं खारदुंगला टॉप। वाह यार, नेक्स्ट लेवल फीलिंग। और बर्फ गिर रही है भाई, मस्त एकदम। मैं बाइक पीछे लगा रहा हूँ, ठीक है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं खारदुंगला टॉप। और यहाँ पे बर्फ़ गिर रही है, मस्त धूप हल्की हल्की पड़ रही है, तो अच्छी वाली गर्मी लग रही है। एंड यहाँ पे बाइक राजेश भाई एंड रोडॉक ब्लॉग्स, और यहाँ से वेलकम्स यू टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइटी खारदुंगला। देखो अभी यहाँ पे अगर स्लोमो में कुछ कैप्चर हो पाए, आई थिंक सो विजिबल नहीं रहेगा, बट बहुत सही वाला फील है। फाइनली वी आर एट खारदुंगला टॉप, और यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं हंटर के लिए। द हाइट इज कितना पीछे लिखा हुआ है, 17,982। और यहाँ पे अभी स्नो गिरने लग गया है, बहुत सही लग रहा है। तो यहाँ पे जो खारदुंगला का जो हाइट है वो दिखा रहा है 17,982, क्योंकि इससे एक और वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड बना है जो कि है उमलिंगला में। तो वो वाला पब्लिकली ओपन नहीं है, बट मतलब उसका हाइट है 18,600, तो काफ़ी ज़्यादा हाइट है। लुक एट दिस, रियली प्राउड फीलिंग मैन। अभी यहाँ से निकलेंगे हम लोग हंटर। हम लोगों ने वन ऑफ द बेस्ट राइड आज की कर ली, जो कि थी खारदुंगला। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा साइड साइड में बर्फ जमा हुआ है बीच। कुल्लू में यहाँ से कुछ ग्लेशियर पिघल के यहाँ पे पानी मस्त जा रहा है। क्या सही ग्रीन हो रखा है यार। सो वी आर एट 16,000 feet, और हम लोगों को पता नहीं लग रहा है कुछ, और यहाँ पे बर्फ भी गिर रही धीरे धीरे। सो ये जो नॉर्थ कुल्लू के बाद है, ये साउथ कुल्लू है ना, हाँ। तो नॉर्थ कुल्लू के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, जो डबल लेनिंग हाईवे कर रहे हैं ये, तो बहुत सही है यार। मतलब थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग हम लोग को मिल रहा है। फाइनली जो पैच वाली रोड थी वो ख़त्म हुई। अभी थोड़ी बहुत ठीक ठाक रोड है, बट आर्मी वाले ट्रक चल रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए अपने को पीछे। सो अभी यहाँ से जो विलेज दिख रहा है, दिस इज़ खारदुंग विलेज। इसका हाइट है 14,730 feet। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, पूरा लोगों ने खेती कर रखा है, वेरी ब्यूटीफुल यार। मतलब यहाँ पे पूरा आसपास कहीं कुछ नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे पूरा प्रॉपर ग्रीनरी दिख रहा है, तो देख के बिल्कुल अलग सा लग रहा है। वो उस साइड में ऊपर मॉनेस्ट्री भी है, यहाँ से कुछ मॉनेस्ट्री का रास्ता है यहाँ पे, इधर पे मॉनेस्ट्री बनी हुई है, बहुत सही लग रही है यार। इधर लद्दाख में आने का यही फील अलग है कि आपको मॉनेस्ट्री बहुत देखने को मिलती है, यहाँ पे अलग नज़ारा है।
उधर से हम खारदुंग विलेज क्रॉस करके आए, तो उसके बाद में हम लोगों को ऐसा कुछ व्यू मिला, वो उधर पे पूरा स्नो कैप माउंटेंस, इधर पे थोड़ा सा मिट्टी वाला एंड देन इधर पे थोड़ा सा मतलब ग्रीनरी टाइप सा हो गया। अभी हम लोग डिस्किट के थोड़ा सा पहले रुके हुए थे और राजेश भाई वहाँ पे दिखा रहे कोट दिखा रहे हैं, तो बहुत अमेजिंग सा व्यू है यहाँ पे पूरा रास्ता ऐसे। और हम लोग हंडर में रुकने की जगह डिस्किट में रुकेंगे और वहाँ पे पूरा मोनेस्ट्री इंजॉय करेंगे हम लोग। वहाँ पे राजेश भाई वहाँ से कुछ बोल रहे हैं, यहाँ तक आ रही आवाज़, हम लोग रिप्लाई में दे रहे हैं। अलग लेवल है भाई। ओके ओके, बस ऐसे ही मजे कर रहे हैं। अभी दो जने लेटे हुए थे, हम लोगों को लगा तो उनका तबीयत वबीयत खराब हो गया, तो बट वो लेट के एंजॉय कर रहे थे। अभी हम लोग ये नूबड़ा वैली साइड में है और क्या मतलब अलग है यार, यहाँ पे इतनी अच्छी रोड, पूरा इलेक्ट्रिसिटी वायर सब कुछ बराबर से दिया हुआ है, कॉर्नरिंग में बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी हम लोग धीरे धीरे हाइट डाउन कर रहे हैं, जो डिस्किट है दैट इज़ अराउंड 10,450 फीट फ्रॉम द सी लेवल, तो ठीक ठाक हाइट है। इवन मनाली के मनाली और ले के बीच वाला हाइट है यहाँ का। यहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लगा है, वेलकम टू नूबरा एंड शोक वैलीज अ बोर्ड ऑफ सियाचिन वॉरियर्स। यहाँ देखो, यहाँ नूबरा हंडर डिस्किट, तीन जगह इधर साइड में है। दिस प्लेस इज कॉल्ड ड्यून वैली, यहाँ पे पूरा एमटीबी और वो सब हो रहा है। और वाह, यहाँ पे थोड़ी फोटोज वोटोज निकालेंगे, अच्छा लग रहा है यहाँ पे जगह। अपने इधर साथ में राइट साइड में जो रिवर चल रही है दैट इज शोक रिवर, और यही वाली रिवर कल जब हम लोग पैंगोंग जाएंगे तो पैंगोंग में भी साथ में चलेगी। तो अभी यहाँ से डिस्किट दिखा रहा है 9 किलोमीटर्स, विच इज़ वेरी नियर। और आज हम लोगों का स्टे रहेगा डिस्किट में, होटल वोटल का बुकिंग सब हो चुका है। होटल का प्राइस हम लोगों को पड़ा 1,500 रुपीज़ पर रूम फॉर वन डे, अच्छा है, प्राइस इज ऑल्सो रीजनेबल। फाइनली आज का राइड का जो डेस्टिनेशन था दैट इज डिस्किट मोनेस्ट्री, और आप लोगों को दिखा देते हैं डिस्किट मोनेस्ट्री है कहाँ पे, वहाँ पे। क्या बात है यार, मतलब बिल्कुल ही अलग जगह से बनी हुई है। अभी हम लोग यहाँ पे डिस्किट एंटर कर चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, पहले स्टे जा रहे क्या? अच्छा, यही है, ओके। आगे ऊपर जाके डिस्किट मोनेस्ट्री है, और जो एंट्री है होटल का आई थिंक सो इधर साइड से है, सो यू नीड टू गो फ्रॉम दिस साइड। इधर साइड है, अच्छा ओके, क्या बात है जी, गेस्ट हाउस तो बढ़िया। गाइज फाइनली वी हैव रीच डिस्किट, और हम लोग यहाँ पे गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। जो ओवरऑल राइड था आज का बहुत अमेजिंग था, मतलब मज़ा आ गया। और हम लोग जो जहाँ पे रुके हुए हैं ये है डिस्किट मॉनेस्ट्री के बिल्कुल पास में, तो यहाँ से दिख जाता है, आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो उधर पे आप लोगों को दिख रहा होगा वहाँ पे ऊपर में दैट इज डिस्किट मॉनेस्ट्री। तो अर्ली मॉर्निंग व्यू भी है, वो भी अच्छा रहेगा। और ट्रस्ट मैंने आज बहुत बहुत मज़ा आया। खारदुंगला तो हम लोग ने ऐसे क्रॉस किया जैसे कुछ भी नहीं था, मतलब ऑलमोस्ट 17,892 फीट का था जो हाइट उसका, एंड वहाँ पे स्नोफॉल भी हो गया धीरे धीरे, बहुत मज़ा आया। मतलब आज वाला राइड में बिल्कुल स्ट्रगल नहीं लगा, स्मूथ गए। कल देखेंगे क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, आसपास में और कुछ रहेगा नहीं तो वी विल डायरेक्टली हेड टूवर्ड्स पैंगोंग लेक। और आज का व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया है डू लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को जिससे कि आप लोगों को आने वाले ब्लॉग्स के अपडेट मिलते रहें, और आने वाले ब्लॉग्स और भी अमेजिंग होने वाले हैं। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। दिस इज योर विकेट राइडर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।